नमस्ते। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यानी कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो हमारे धरती पे उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता है, परंतु इसके इसका जो महत्व है, इसका जो प्रयोग है कई जगह में हमारे जीवन में, ये इतना अपार है कि इसके बारे में पढ़ना एक अलग ही पार्ट है और इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। कार्बन में बॉन्डिंग के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले कार्बन में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इस चित्र से समझ में आते हैं। अंदरूनी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि हर तत्व नोबल गैस का रूप प्राप्त करना चाहता है, तो इसके लिए कार्बन क्या कर सकता है, या तो अपने बाहर के चारों इलेक्ट्रॉन बाहर दे दे, या तो बाहर से 4 नए इलेक्ट्रॉन ले ले। परंतु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अंतर है वह इतना ज्यादा नहीं बन सकता, उसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है जो नहीं दी जा सकती। इसलिए कार्बन आयनिक बॉन्डिंग की जगह कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, यानी दो अलग अलग अणु अपने इलेक्ट्रॉन को बीच में बांट के चलते हैं, उसे बराबर बराबर बांट के चलते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है और नोबेल गैस बनने के लिए इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करते हैं, दोनों कार्बन दोनों हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में बांट लेते हैं। ठीक इसी तरह ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ क्या होता है कि दोनों ऑक्सीजन अपने तरफ से 2-2 इलेक्ट्रॉन देते हैं और इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन वे बांट लेते हैं अपने बीच में, तो दोनों को 8-8 प्राप्त हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से नाइट्रोजन में, इसमें दोनों अणु 3-3 इलेक्ट्रॉन देते हैं। कार्बन में खूबी है कि वह अन्य कार्बन अणुओं के साथ जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखला बना सकता है, इससे हम कैटिनेशन कहते हैं। पेंसिल में उपस्थित जो ग्रेफाइट होता है और जो डायमंड होता है, डायमंड हीरा, ये भी कार्बन के अणुओं से ही बनता है, पर उन्हें उनके जुड़ने का ढंग थोड़ा अलग है। कार्बन के वैलेंस 4 हैं, इसलिए कार्बन अणु 4 अन्य कार्बन या अलग तत्वों से जुड़ सकता है। उदाहरण के लिए मीथेन CH4, हर कार्बन 4 हाइड्रोजन अणुओं से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन अपने चारों अणुओं को, चारों इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ बांट के चलता है। इस तरह से कार्बन को बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और हाइड्रोजन को बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बने हुए यौगिक होते हैं, इनमें और कोई तत्व नहीं होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और उनके बीच ही बॉन्ड होते हैं, और कोई इनमें नहीं होता। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दुगने और तिगुने बॉन्ड होते हैं, तो इनमें बाहर से हाइड्रोजन डालने की संभावना रहती है। उदाहरण के लिए C2H6 इथेन, इसमें बस कार्बन और हाइड्रोजन है और सब में बस एक एक बॉन्ड ही है, तो ये संतृप्त है। वही C2H4, इसमें 2 सी जुड़े हुए हैं, हर सी से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, परंतु दोनों सी के बीच में डबल बॉन्ड है, जो इस चित्र में आप देख सकते हैं। यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस डबल बॉन्ड को तोड़कर दोनों कार्बन में 2 नए नए हाइड्रोजन डाले जा सकते हैं। हमने जाना कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है उसके हिसाब से उस हाइड्रोकार्बन का नाम जानते हैं हम। अगर तुम्हें सिर्फ एक ही कार्बन है तो मीथेन, 2 तो इथेन, और इसी तरह से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इन सब का मतलब है कि एक सीधी श्रृंखला में 1 से 6 तक कार्बन जुड़े हुए हैं और उनसे अतिरिक्त हाइड्रोजन के अणु जुड़े हुए हैं। C4H10 के 2 रूप हो सकते हैं, या तो सभी कार्बन अणु एक सीधी रेखा में हो, या फिर कुछ शाखाएं बन सकती हैं इस प्रकार। इसी प्रकार से ब्यूटेन के ही हमें 2 अलग अलग फॉर्मूले प्राप्त होते हैं, इन्हें हम आइसोमर कहते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन के अणु उतने ही है, हाइड्रोजन के अणु उतने ही है, पर इनकी इनका ढांचा में पूरा अंतर है। उसी तरह से होता है साइक्लोहेक्सेन,
हेक्सेन यानी छह कार्बन के अणु, और साइक्लो का मतलब हुआ कि यही सभी अणु एक रिंग एक गोले में बने हुए हैं। यह हुआ साइक्लोहेक्सेन का पूरा फॉर्मूला। फंक्शनल ग्रुप यानी प्रकार्यात्मक समूह, तो कई हाइड्रोकार्बनों में एक से ज्यादा हाइड्रोजन की जगह कार्बन से अन्य कुछ भाग जुड़ सकते हैं, कुछ अन्य नए नए तत्व जुड़ जाते हैं। इन तत्वों को प्रकार्यात्मक समूह कहा जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के जगह एक हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ा जा सकता है, जिसका कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा। आर का अर्थ है कोई भी लंबी कार्बन की श्रृंखला, और एक्स का मतलब है क्लोरीन या ब्रोमीन जो आके एक हाइड्रोजन को हटा के वहां जुड़ गया है। इसी तरह से एक एल्कोहल बन सकता है जिसमें ओ एच आकर जुड़ता है। एक एल्डिहाइड जिसमें एक ओ और एक एच जुड़ता है, पर थोड़ा अलग तरीके से जुड़ता है। अब देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। ऐसी कीटोन बनता है जिसमें बीच में स्थित किसी कार्बन पे एक ऑक्सीजन द्वितीय बॉन्ड बनाकर जुड़ जाता है। आप देख ही सकते हैं कि यह कीटोन बनना तभी संभव है अगर कम से कम तीन कार्बन हो उस श्रृंखला में। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है COOH। एक C से द्वितीय बॉन्ड के साथ एक O जुड़ता है, और एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा O और H दोनों जुड़ते हैं। इसी तरह से हम वर्णित सजातीय श्रेणी बना सकते हैं कार्बन यौगिकों की, एक ऐसी श्रेणी जिनके ढांचे समान होते हैं परंतु जिनमें हर दो क्रमिक सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर। उदाहरण के लिए एल्केन श्रेणी इसमें होता है CH4, C2H6, C3H8। हर दो दो सदस्यों में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर है। उसी तरह से एल्कीन इसमें कहीं एक जगह एक द्वितीय बॉन्ड होता है। एक एल्काइन में कहीं एक तृतीय बॉन्ड होता है, जैसे C2H2 यहाँ पे दो कार्बन तृतीय बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और हर कार्बन में एक एक हाइड्रोजन बाहर से। उसी तरह से अल्कोहल की सजातीय श्रेणी जैसे मीथानॉल, इथानॉल और प्रोपानॉल, इसके नामों के बारे में हम जानेंगे। इनका नामकरण कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो हम कार्बन अणुओं की संख्या गिनते हैं, तीन यानी प्रोपेन एक उदाहरण हुआ। अब अगर क्लोरीन या ब्रोमीन है तो हम पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं, और कोई दूसरा अगर फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक ग्रुप है तो हम अनुलग्न का प्रयोग करते हैं। और अगर हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हुआ तो हम एल्केन के एन की जगह ईन या आइन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अगर प्रकार्यात्मक समूह है हैलोजन तो हम पूर्व लग्न लगा के वह नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे तीन कार्बन है तो यानी प्रोपेन, क्योंकि इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरोप्रोपेन। उसी तरह से ब्रोमोप्रोपेन। अगर अल्कोहल है तो हम ओल का अनुलग्न लगाते हैं, या फिर से तीन कार्बन है तो प्रोपेन और ओल लगा के प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड के लिए हम लोग लगाते हैं आल, तो बन गया प्रोपेनाल। कीटोन के लिए हम लगाते हैं ओन, तो बनता है प्रोपेनोन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लगाते हैं ओइक एसिड, तो ये बनता है प्रोपेनोइक एसिड या अम्ल। वही अगर द्विबंध है या एक द्वितीय बॉन्ड है तो हम ईन लगाते हैं, तो या फिर से तीन कार्बन पर एक द्वितीय बॉन्ड, तो प्रोपेन की जगह इसका नाम बन गया प्रोपीन। यह कुछ साधारण साधारण नियम है जिन्हें याद रखना जरूरी है। क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए क्लोरोप्रोपेन ब्रोमोप्रोपेन, और बाकी में अंत में कोई अनुलग्न लगा दिया जाता है, जिसका उदाहरण हमने अभी देखे। अब कार्बन यौगिकों के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में जानते हैं। तो दहन यानी कंबस्टन यानी जलाना। कार्बन के सभी रूप पर कई यौगिक ऑक्सीजन के संपर्क में आके जलाए जा सकते हैं, इससे बहुत ऊष्मा निकलती है। उदाहरण के लिए जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक उसी तरह से मीथेन जो कार्बन का यौगिक है, इसको जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। ऐसा ही कुछ होता है इथेनॉल के साथ। तो हम देखेंगे कि इसमें ऊष्मा और यानी गर्मी बहुत ज्यादा निकलती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में स्वच्छ ज्वाला जलती है,
वही असंश्लेषित रूपों में पीली ज्वाला जलती है और बहुत धुआं भी निकलता है जो आसपास में बहुत गंदगी फैलाता है। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। कई कार्बन यौगिक ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं अपने अंदर। उदाहरण के लिए इथानोल, जब हम इसकी प्रतिक्रिया KMnO4 के साथ कराते हैं और थोड़ी गर्मी देते हैं, CH3COH इथानोइक एसिड बनता है। तो हम क्या देखते हैं भाई, इथानोल में जहां बस एक ही ऑक्सीजन था, उसमें अब एक और ऑक्सीजन आकर जुड़ गया है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया हुई है। KMnO4 को हम ऑक्सी कारक कहते हैं, क्योंकि यही है वह यौगिक जो ऑक्सीजन प्रदान करता है मेरे इथानोल को। अब आता है संकलन अभिक्रिया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, उत्प्रेरक एक ऐसा यौगिक होता है जिसकी उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया तेज हो जाती है। इसे हाइड्रोजन अगर डाला जाए ऐसा, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दो कार्बन है जो द्वितीय बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर निकेल तत्व हम उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस डालें तो यह द्वितीय बॉन्ड टूट जाता है और नए हाइड्रोजन के अणु आके कार्बन से जुड़ जाते हैं। इसी तरह होता है प्रतिस्थापना अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कई संतृप्त हाइड्रोकार्बन सूरज की रोशनी की उपस्थिति में क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन क्लोरीन गैस से तब मिलता है जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो इससे क्लोरोमीथेन बनता है और कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है। यह बहुत तेज प्रतिक्रिया होती है। अब हम कार्बन के कुछ खास यौगिकों के बारे में जानेंगे। ने सबसे पहले इथेनॉल, इथेन मतलब दो कार्बन और ऑल मतलब एक अल्कोहल ग्रुप, जो आप इस ढांचे में देख के समझ सकते हैं। इथेनॉल के कुछ गुण हैं कि वह रंगहीन होता है, उससे मीठा गंध निकलता है और वह पानी में घुलनशील होता है। इथेनॉल सोडियम धातु से मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस के साथ साथ एक लवण भी बनता है जो है सोडियम इथॉक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करने पर पानी का एक अणु निकलता है जो इस OH और एक हाइड्रोजन को लेकर बनता है और यह बाहर निकल जाता है। तो इसी कारण क्या होता है कि कार्बन के बीच में जो एक बॉन्ड है वह एक द्वितीय बॉन्ड में बदल जाता है। तो इथेनॉल के कुछ उपयोग जानते हैं। यह एक विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें अन्य चीजों को घुलाया जा सकता है। इसका उपयोग दवाई बनाने में भी कई जगह होता है। यह अल्कोहल वाले पेय पदार्थों में भी पाया जाता है। इन पदार्थों को पीना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, इन्हें पीना हमें नहीं चाहिए। हम जानते हैं इथेनोइक एसिड के बारे में। इथेन हमें बताता है कि यहाँ दो कार्बन होंगे और ओइक एसिड यानी एक COOH। इसके ढांचे को देखते हैं, एक सी से एक द्वितीय बॉन्ड के द्वारा एक ओ जुड़ा हुआ है और एक OH जुड़ा हुआ है। यह भी रंगहीन तरल होता है और पानी में घुलनशील होता है। इसका स्वाद होता है खट्टा। किसी अन्य एसिड की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ एक एस्टर बनाता है, यह इथानोइक एसिड। देखते हैं यहाँ अम्ल है कोई अन्य अम्ल अन्य एसिड और इसकी उपस्थिति में इथेनॉल के साथ मिलकर एक एस्टर बनाता है जो कुछ इस प्रकार दिखता है। यह इसका सुगंध काफी मीठा होता है और इस सेंट बनाने के काम आता है। तो एस्टर में क्या होता है कि OH ग्रुप के जगह H के जगह हाइड्रोजन के जगह कोई अन्य लंबी श्रृंखला जुड़ जाती है कार्बन के अणुओं की, जो हम यहाँ देख सकते हैं। हम यह जानने लायक है कि इथेनोइक एसिड एक एसिड है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसे तोड़ा जा सकता है या हाइड्रोजन का अणु बाहर निकल जाता है, जिसके कारण यह आसपास के वातावरण को एसिड यानी अम्लिक बना देता है। तो एसिड होने के कारण बेसों से रिएक्ट करेगा और बेस से रिएक्ट करेगा तो एक लवण और पानी बनेगा। यहाँ लवण बनता है सोडियम
एथानोएट। कार्बोनेट के साथ एक लवण कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। यह भी एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। साबुन और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, यह एक ऐसा चीज है जिसमें कार्बन की यौगिकों का बहुत बड़ा हाथ है। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम के लवण से ही साबुन बनता है। उदाहरण के लिए C17H35COONA, इसका असल नाम है सोडियम स्टीयरेट। यहाँ पे 17 कार्बन होते हैं और अंत में एक COONA का भाग जुड़ा रहता है। ये कपड़े में चिपके तेल वाली गंदगी को साफ करते हैं। अब जानते हैं साफ कैसे करते हैं। कार्बन की जो लंबी सी श्रृंखला है वह जल विरागी होती है। जल विरागी मतलब वह पानी से दूर रहना चाहती है। वही सोडियम वाला जो सिरा होता है वह जल रागी होता है, यानी वह पानी में रहना चाहती है। तो अगर हम मानते हैं कि आसपास बहुत इसे पानी में डाला गया है, तो यह बात पक्का है कि 17 कार्बन की जो श्रृंखला है वह पानी से दूर जाना चाहेगी। तो वह किसी बीच पानी में उपस्थित किसी तेल के बूंद की तरफ बढ़ती है और एक ऐसा टाइप का एक ढांचा बना लेती है, इसे हम मिसेल कहते हैं। इस मिसेल में सोडियम के सभी अणु बाहर तरफ रहते हैं और सभी कार्बन की लंबी श्रृंखला अंदर तरफ रहती है। इससे कार्बन की श्रृंखला पानी से बच जाती है और तेल को कपड़े से निकालकर पानी के साथ बाहर बह जाती है। परंतु अगर पानी में मैग्नीशियम या कैल्शियम हो तो साबुन इनके साथ अभिक्रिया कर लेता है और पानी में अघुलनशील हो जाता है। इसके कारण साफ करने की ताकत उसमें बढ़ जाती है, घट जाती है। मैग्नीशियम और कैल्शियम वाले पानी को कहा जाता है हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में सफाई के लिए अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम के लवण होते हैं। तो यहाँ बस सोडियम की जगह अमोनियम लगा दिया जाता है। ये भी मिसेल ही बनाने की प्रक्रिया से चलते हैं, परंतु मैग्नीशियम और कैल्शियम का इन पे कोई असर नहीं पड़ता। अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट, आपको इन तीनों यौगिकों का नाम बताना है। आराम से सवाल देखिए और इनका नाम बनाइए। इसका उत्तर आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में मिल जाएगा। धन्यवाद। इसके साथ हमारा कार्बन यौगिकों वाला सफर पूरा हुआ। उम्मीद है कि आपको